जिले में उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना चला रखी है। इस योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज फ्री में देना है, लेकिन इस कल्याणकारी योजना से गरीबों का कल्याण कम, माफियाओं का कल्याण अधिक हो रहा है। ताजा मामला टंडवा प्रखंड क्षेत्र का है, जहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों के मिलने वाले जून और जुलाई महीने का अनाज माफियाओं ने डकार लिया। वहीं सितंबर महीने में मिलने वाले अनाज में भारी कटौती किया जा रहा है। जन वितरण दुकानदारों के द्वारा प्रति व्यक्ति 5 किलो के जगह पर मात्र 2 किलो दिया जा रहा है, जबकि ई पास मशीन में पूरे 5 किलो वितरण को दिखाया जा रहा है। डीलरों और अनाज माफियाओं का यह प्रकरण इन दिनों प्रखंड क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले को लेकर लाभुकों के द्वारा जन वितरण दुकानदारों के साथ कहासुनी भी हो रही है, और दुकानदारों के द्वारा लाभुकों को यह बताया जा रहा है कि ऊपर से ही कम राशन का आवंटन किया गया है। गरीबों के आवंटित अनाज के बंदर बांट और गबन करने के मामले का खुलासा तब हुआ जब अपने चुने गए जन प्रतिनिधियों और जनता के समक्ष डीलरों ने अनाज माफियाओं के साथ सांठगांठ कर गरीबों के अनाज के बंदर बांट करने के बात को स्वीकार किया। मामला प्रखंड क्षेत्र के मिश्रौल पंचायत का है, जहां कार्ड धारकों के द्वारा प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अनाज का वितरण नहीं किए जाने और अनाज के कटौती को लेकर पंचायत सचिवालय परिसर में मुखिया के नेतृत्व में डीलरों और पंचायत वासियों के बीच मामले को लेकर बैठक किया गया। इस बैठक में पंचायत के मुखिया व उप मुखिया समेत अन्य जन प्रतिनिधियों के अलावा क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, पूर्व मुखिया व प्रखंड उप प्रमुख मौजूद थे। बैठक में सभी जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पंचायत क्षेत्र के सभी डीलरों ने प्रधानमंत्री कल्याण कोष के जून और जुलाई महीने के अनाज को आपसी सहमति के साथ अनाज माफियाओं संग मिलकर बंदर बांट करने की बात को स्वीकार किया। इस दौरान पंचायत के सभी डीलरों ने यह भी बताया कि बेचे गए अनाज पर सभी डीलरों को 6 रुपया प्रति किलो की दर से सबको पैसे मिले। डीलरों ने यह भी बताया कि यह मामला सिर्फ मिश्रौल पंचायत का नहीं बल्कि पूरे प्रखंड क्षेत्र का है। इस मामले को लेकर मिश्रौल पंचायत के मुखिया सुबेश राम ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत क्षेत्र के जन वितरक दुकानदारों के साथ पंचायत के ग्रामीणों व क्षेत्र के अन्य जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बैठक कर जानकारी ली, जहां सभी जन वितरक दुकानदारों ने स्वीकार किया कि जून और जुलाई माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज वितरण नहीं किया गया। उन लोगों ने यह भी बताया कि कार्डधारियों से ई पास मशीन में उक्त अनाज का फिंगर लेकर अनाज के वितरण को दिखा दिया गया है। मामले को लेकर जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने बताया कि सितंबर माह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मद के अनाज में केंद्र से ही आवंटन कम मिला है, वहीं जून और जुलाई महीने के अनाज के वितरण नहीं किए जाने के मामले में बताया कि मामले की विभागीय जांच कराई जाएगी। जांच के उपरांत मामला सही पाया जाता है तो गरीबों के आवंटित अनाज को डकारने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पहले तो हम लोग को कुछ जानकारी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो अचानक मुखिया द्वारा हम लोग को पता चला कि नहीं से वहाँ पे डीलर लोग कुछ राशन का वितरण में मैंने 2 महीने का या 3 महीने का मैंने घोटाला किया गया, तो उसी के संबंध में बैठक रखा गया से आप लोग आइएगा। उसमें गए तो वहाँ पर सारा विस्तार से चालू हुआ, उसके बाद पता चला कि नहीं से 2 महीना का राशन मैंने ऐसे घोटाला हो गया है। डीलर लोग यही बताया कि देखिए हम लोग से तो गलती हुआ, आप लोग मैंने हाथ पैर जोड़ने लगा तो यहाँ के मुखिया जी ने अपने आप में मैंने डिसाइड ले लिए फर्स्ट में कि जे नए से माफ कर दिया जाए, जो चावल 3 किलो या 2 किलो काटते थे वो 7 महीने तक नहीं काटेंगे। तो उसमें आदमी लोग को समझ में ना आया कि क्या काट रहा है, कि वो हमारे चीज़ का काट रहा है, इन लोग को पता ही नहीं है, लोगों को कुछ और लगा, उसमें कोई मैंने एक्शन नहीं लिया। डीलर लोग तो यही बोला कि देखिए ऊपर का ही लोग मैंने कुछ हम लोग से मैंने मांगा जाता है और खर्चा बताता है, तो उसी में से मैंने दोनों का तालमेल से वो माइनस हुआ है या तो घपला हुआ है। अनाज घोटाले की बात हमारे संज्ञान में आई, ये आम जनता के द्वारा आई और उसको मैंने अपने पंचायत भवन मिश्रौल में अपने कार्यकारिणी समितियों के साथ और आम जनता के साथ तथा पंचायत क्षेत्र के डीलरों के साथ सामूहिक बैठक की गई, और बैठक में हमारे क्षेत्र के डीलर इस बात को स्वीकार किया कि हमने जून और जुलाई 2 माह का अनाज का प्रधानमंत्री अन्न योजना वो जो है इसे हम लोगों ने गायब किया
और उसका उन लोगों ने स्वीकार किया आम जनता के समक्ष। ये इस पर तो घोर निंदा मैं करता हूँ, इस तरह का गरीब का अनाज और ये बीच में लोगों को नहीं मिल पाता है, ये निंदनीय विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में सुखाड़ की समस्या है और गरीबी इलाका है, इसलिए इस क्षेत्र में लोगों को अन्न बीच में नहीं मिलता है, ये बड़ा विडम्बना की बात है। इस हमने सभी डीलरों को पीएमजी के केवाई का अनाज जो है दे दिए, हमारे द्वारा दिया जा जी जून जुलाई सभी महीने का हमने दिए। हमारे हमको कोई जानकारी नहीं इसके बारे में, हमने हमारा काम है डीएसडी को दे देना, हमने डीएसडी को दे दिया, डीएसडी के द्वारा डीलर के घर पहुंचा दिया, सारा अनाज डीलर के को चला गया। हम लोगों को मालूम चला है और मीडिया में भी बात आई है, ये बड़ा विडम्बना की बात है। इस हमने सभी डीलरों को पीएमजी के केवाई का अनाज जो है दे दिए, हमारे द्वारा दिया जा जी जून जुलाई सभी महीने का हमने दिए। हमको कोई जानकारी नहीं इसके बारे में, हमने हमारा काम है डीएसडी को दे देना, हमने डीएसडी को दे दिया, डीएसडी के द्वारा डीलर के घर पहुंचा दिया, सारा अनाज डीलर के को चला गया। हम लोगों को मालूम चला है और मीडिया में भी बात आई है कि टंडुआ में जून जुलाई में एक तथा कथित तौर पर परंतु संगठित तौर पर कोई बैठक बुला करके पूरे के पूरे 2 महीने के चावल का जो है गबन किया गया है। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। के आर चंदन की रिपोर्ट, R9 भारत।